गोरखपुर में निर्माणाधीन प्राणी उद्यान का प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया तथा कार्य की गुणवत्ता तथा यहां रखे जाने वाले जानवरों की जानकारी ली। सीएम योगी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जून 2019 तक हर हाल में प्राणी उद्यान का कार्य पूरा हो जाना चाहिए। उन्होंने प्राणी उद्यान का लेआउट प्लान देखा तथा कहा कि कार्य मानक अनुरूप एवं निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण होने चाहिए। उन्होंने प्राणी उद्यान का विधिवत भ्रमण किया तथा निर्माणाधीन कार्यों को देखा। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये प्राणी उद्यान आधुनिक तकनीकी के माध्यम से विकसित किया जा रहा है। यहाँ लगभग 200 के आसपास पशु पक्षी रखे जाएंगे और इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर बिहार एवं नेपाल से संबंधित पशु पक्षी भी होंगे ताकि प्रकृति के प्रति आम जनमानस की जिज्ञासा अधिक जागरूक हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राणी उद्यान गोरखपुर एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के मनोरंजन एवं ज्ञानोपार्जन हेतु काफी उपयोगी होगा और आम जन को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि गोरखपुर प्राणी उद्यान लगभग 121 एकड़ एरिया में निर्मित होगा। यहाँ 31 बाड़े बनेंगे तथा पब्लिक सुविधा, पशु पक्षियों को बेहतर रख रखाव, पार्किंग आदि की बेहतर व्यवस्था होगी। कर्मचारियों हेतु कॉलोनियों भी तैयार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने प्रेक्षा गृह एवं वाटर स्पोर्ट्स का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री आशुतोष टंडन, पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं विधायक फतेह बहादुर सिंह, मंडलायुक्त अमित गुप्ता, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेन सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा अरे सर उनको बताइए आगे बढ़ा ले। अरे हम रोड हमको थोड़ा सा पीछे इसका मतलब हाइट जो है 11 फीट और 8 फीट। और ये मतलब इस तरह से लिखा है। और ये यहाँ पर इसके बाद ये साइनेज हो गया मैंने, ये हमारा पार्किंग हो गया ये वाला एरिया। इसके बाद मैंने यहाँ से इंट्रेंस करता है। और जो बुद्ध की मानी मानव मूर्ति है इसका, और ये यहाँ पर से इंट्रेंस प्लाजा मान पर ये दिख रहा है सामने सटिया के तो यहाँ से ये मानव एंट्री होगी। उसके बाद यहाँ पर एक एम्फी थिएटर टाइप का ओपनिंग थिएटर, इसका मानव यहाँ से एंट्री हुई, ये मेन है, यहाँ से एंट्री हुई, फिर यहाँ से मानव निकलेंगे और फिर ये ठीक है, ये हमारा फ्रंट का हो गया। उसके बाद मानव यहाँ से शुरू होता है हमारा बाहर, ऐसे मानव इधर से लोग चलेंगे। आप दे रहे हैं स्पेस उसमें जी, बीच में मानव ये हमारा जो रजिस्टर्स है, जो यहाँ पे जीव रखे जाएंगे जी, उनके लिए स्पेस पर्याप्त है। सारा मानव ये लाइन कहाँ रखेंगे? 28 नंबर पर्याप्त है उसके लिए जगह। सर जगह कितना जगह चाहिए? मानक जो है 1250 का है सर, और हमने 2750 रखा। कितने रह सकते हैं सर? तीन जो हैं रख सकते हैं। यस सर, ठीक है। इसमें मान लो ये लाइन वाला, उसके अलावा तो घूमने के लिए भी जगह चाहिए अलग से। हॉल बनाएगा बाहर, जैसे अंदर उसका एनिमल हाउस होगा, फिर बाहर हम लोग घेर के इसमें के उसको खाना देने के बाद बाहर निकालेंगे। इसमें मान लो जो आपने प्रयास किया था माननीय मुख्यमंत्री जी बात करते हैं, उन लोगों ने मान लो हम लोग को दे दिया है, और अब प्रयास ये है कि इसके अप्रूवल मान लो अलग से इधर क्या है, ये क्या है, इस साइड को क्या है? ये मानव हमारा फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट का, हाँ ये वेटलैंड है, वेटलैंड हाँ, यहाँ पर नेचुरल पाथवे बना है और इसी पर हम लोग चलेंगे। यहाँ पर बर्ड वॉचिंग ये वाला वेटलैंड जी जी, जो उधर पूरा पानी है, यहाँ पर नेचुरल फॉरेस्ट हो गया, फॉरेस्ट जोन हो गया, और यहाँ पर हमारा 31 बाड़ा हो गया।
इसमें ये जो है एलिफेंट तो नहीं रहेगा, एलिफेंट मना कर दिया। और ये जो है आपका ये गैंडा वगैरह का क्या है, उसका है कि नहीं? नहीं, राइनो का सर अभी अप्रूवल नहीं हुआ है। राइनो चलो तो मिल जाएगा भाई, आपके पटना में तो काफ़ी ज़्यादा है उनके पास, तो आसाम में भी आसाम से मिल जाएगा। तो आसाम में ऊपर एक काफ हम दे देंगे, लीजिए ना उसको, कहीं रखिए उसके लिए भी स्पेस करिए। हाँ, क्योंकि जैसे बनता है मान लो, उसके बाद सीजरी इसको ऑपरेशन काम को परमिशन देंगे, जैसे पूरा फटाफट प्रक्रिया पर आरम्भ जी जी मान। लेकिन अभी आपकी प्रक्रिया बहुत स्लो है यहाँ, ये मान लो ये वाला बन जाए, चल के मुझे बताओ। बढ़ते जाइए, योगा बनाते जाइए। भैया देखो चोट ना लग जाए, पीछे कर रही है। गिनती करते हैं, 10 मीटर है उसके ऊपर मंदिर का शिखर, उस 6.875 मीटर ग्राउंड से हमारा 55 फीट जाएगा साफ शिखर। यहाँ पे प्रसाद में सीधे आके उसका मान लो काम से फिर उसके बाद बंदर है, बंदर में मान लो बॉनेट लंगूर टेल, ये यहाँ से वो हमारी जो बिल्डिंग है वो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, वो 770 वर्ग मीटर में बर्तन वर्ग की फिर उसके बाद 6 मीटर हमारी सर्विस है, फिर उसके बाद 1.5 मीटर इंक्लोजर्स हमारे हमारी तरफ से नहीं बात तुरंत आ गया, इसे इतनी भूमिका बना था उसके बाद मैंने वाकई ये सभी साउथ के मंदिर बोले यहाँ पे इस नेपाल की तराई में कौन कौन से प्रमुख जानवर और पक्षियाँ पाई जाती हैं उसके लिए यहाँ व्यवस्था की गई। स्वैम डियर जैसे हैं, स्वैम डियर उसमें और राइनो के लिए सर आप बता रहे हैं एनिमल का जैसे ही व्यवस्था कर लेते हैं तो हम उसके लिए अप्लाई कर देंगे। हमने किया था अप्लाई सीजेडे से एनिमल की वजह से ऑब्जेक्शन लगा रिकॉर्ड है राइनो और इसमें क्या होगा, इसमें हमें बंदर है इसमें सर ये बैक साइड है सर स्पेस है इसमें जहाँ से पीक टाइम में सर 10,000 हम लोग मदद कर रहे हैं। क्योंकि बीच वाला जो आप उधर देखेंगे ग्राउंड वो जो कॉन्फ्यूगेशन पॉइंट वो कितने काफ़ी बड़ा वो रखे जाएंगे हम देखो आइटम कितने उसके बाद हुजूम करिए भैया, स्पॉटेड डियर दिखा दीजिए, बिल्कुल स्पॉटेड डियर दिखा दीजिए, सांबर सांबर ब्लैक बर्ड दिखा दीजिए, स्वैम डियर दिखाइए, हॉग डियर दिखाइए, बार्किंग डियर दिखाइए। इसके बाद मान लो उधर होने में वहाँ तक हो गया, वहाँ हो गया, फिर इधर आता है मान लो हाइना ये छोटा फुल, उसके बाद जैकॉन ठीक है, फिर उसके बाद जंगल कैट, ये कैट्स तीन तरीके के, हाँ तीन तरीके कैट है, तीनों उधर बना है। उसके बाद मान लो लेपर्ड है, टाइगर, उसका नाम लैंड का स्पेस है ना, जगह हो जाएगा जी जी, सभी कुछ हमने नॉर्म से ज़्यादा रखा है। उसके बाद हिप्पो, फिर घड़ियाल, फिर मार्स क्रोकोडाइल, फिर हो गया सर्पेंटेरियम सांप का घर, फिर हो गया टर्टल पॉन्ड, फिर बटरफ्लाई पार्क, उसके बाद फॉक्स लोमड़ी का, फिर हो गया आपका पॉर्कुपाइन स्याही जी, फिर हो गया खरगोश, इतना लास्ट एक्वेरियम, लास्ट मानव ये एक्वेरियम, उसके बाद एडमिन ब्लॉक, ये मानव इसका पूरा, ये वेटलैंड और ये करंट है। पार्किंग कहाँ देंगे, पार्किंग मान लीजिए स्पेस है पर्याप्त, ये स्पेस है सर और ये स्पेस, ये दोनों जगह साइनेस के बाहर साइनेस के अंदर बाहर है जैसे बसेस की पार्किंग ये इंडिकेटेड है और जो फोर व्हीलर्स और टू व्हीलर्स की पार्किंग
पार्किंग पर्याप्त होना चाहिए सर, बुनियादी सुविधाएं उसमें टॉयलेट वगैरह दिए गए सर, सभी टॉयलेट अंतर्राष्ट्रीय ये सामने इधर ये बन भी रहा है, ये इसमें भी है, इसमें भी जल की व्यवस्था, ये वाटर फैसिलिटी सारी सुविधाएं इधर मानवर यहाँ पर हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल इस साइड हॉस्पिटल, हॉस्पिटल यहाँ से दूर है, हाँ दूर है, मानवर उन्होंने कहा था ये रोड ने बताया था सीधे यहाँ तक हॉस्पिटल खाने के लिए, ये रोड है फर्श के अंदर से रोड एक किलोमीटर की दूरी है ताकि सफाई जो है वो मेंटेन रहे, एनिमल का हाइजीन के दृष्टि से हमें तो नजदीक में रखे, जी डी एल लैंड है जी, ऐसे जी डी एल यहाँ पे सर स्मॉल गेट के पास कियोस्क, ये बिल्कुल यही बीच में ही बनेगा सर, थोड़ा सा इधर से हट जाइए सामने से हट जाइए, आपको अगर अगर इसमें जो है आपको टॉय ट्रेन चलानी हो तो कैसे चलाएंगे, ये है जी 3 मीटर की सीसी रोड है जी सर, ये 500 वर्ग मीटर में 100 लोग बैठ के भोजन कर सकते हैं, राइनो यहाँ हम करेंगे जी वेटलैंड के पास, इनका चाहिए वो रेस्टोरेंट, एक जो है रेस्टोरेंट है वो यहाँ पे है, उसमें ताकि गंदगी अंदर और इंटरप्रिटेशन सेंटर और 4D थिएटर है हमारा, ठीक सर हम लोग सोच रहे हैं ठीक ठीक प्राणी उद्यान, यह कार्य समय पर हो सके और गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को इस प्राणी उद्यान का लाभ मिल सके, मनोरंजन के लिए, बच्चों के ज्ञानवर्धन के लिए भी, इस सृष्टि के जीव जंतुओं के बारे में उन्हें जानकारी मिल सके, मनोरंजन का उनके पास एक अच्छा साधन हो सके, इस दृष्टि से इस कार्य को आगे बढ़ाने की दृष्टि से हमारी सरकार ने इसको प्राथमिकता पे लिया है। इसमें हम लोगों ने जो एनिमल्स की 35 वैरायटी हैं उनको रखने की एक व्यवस्था इस जू में करने का प्रयास है, लगभग 200 के आसपास पशु पक्षियां यहां पर रखी जाएंगी, स्वाभाविक रूप से प्रकृति के प्रति आम नागरिक की जिज्ञासा और प्रकृति के हम अधिकाधिक नज़दीक जा कर के इस अपने जगत को कितना वह सुंदर है, किस प्रकार के जीव और जंतु इसमें हैं, इनके प्रति जागरूकता आम नागरिक को प्रकृति के और नज़दीक लेकर के जाएगी, इसके संरक्षण की दृष्टि से लोगों में एक जागरूकता पैदा या प्राणी उद्यान कर पाएगा, इसके कार्य को तेज़ी से करने के लिए ही और इस पर विशेष फोकस करने के लिए आज यहाँ का निरीक्षण करने के लिए मैं स्वयं आया हूँ। हमारा प्रयास होगा कि जून 2019 तक प्राणी उद्यान गोरखपुर का कार्य पूरा हो जाए और इसे हम प्रदेश की जनता को समर्पित करते हुए आम नागरिकों के लिए खोल सकें, जिससे वे लोग देख सकें कि प्राणी उद्यान में यहाँ के, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में अभी कोई भी इस प्रकार का प्राणी उद्यान नहीं है, तो इसका लाभ लोगों को प्राप्त हो सके। राजीव पूर्वांचल के भी कुछ जानवर इसमें रहेंगे लोकप्रिय, हाँ मैंने कहा पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमोत्तर बिहार और नेपाल की तराई से जुड़े हुए जो पशु पक्षी हैं उनको भी यहाँ पर रखने की व्यवस्था, क्योंकि शहरी जीवन में लोगों का संबंध प्रकृति से और जीव जंतुओं से बहुत कम हो गया है, इसलिए ये भी निर्देश दिए गए हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से, पश्चिमोत्तर बिहार से, नेपाल से जुड़े हुए जो ऐसे पशु पक्षी हों उनको भी इसमें स्थान मिले, इसको भी प्राथमिकता के आधार पर लिया जा रहा है और मेरा विश्वास है कि प्राणी उद्यान आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए आधुनिक सोच के साथ इसको आगे बढ़ाने का प्रयास है और जो भी आधुनिक सुविधाएं हो सकती हैं नागरिकों के लिए, उनके मनोरंजन के लिए, बच्चों के ज्ञानवर्धन के लिए, ये सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं।